नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। जिले के साहिबगंज प्रखंड में पहुंचा टिड्डी दल, इलाके के किसानों में फैला दहशत। और आई कटरा में फैला बागमती का पानी, दर्जनों गांव का संपर्क टूटा जिला मुख्यालय से। कोरोना महामारी को देखते हुए जिलाधिकारी ने श्रावण माह में बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर समेत सभी शिवालयों को बंद रखने का दिया निर्देश। और काटी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर चौक स्थित एनएच पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार दंपति को रौंदा, मौके पर पत्नी की हुई मौत। ये थी आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। जिले के साहेबगंज इलाके में टिड्डी दलों के प्रवेश करने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना। बिहार के विभिन्न जिलों में टिड्डियों के प्रवेश के बाद 20 जिलों को अलर्ट कर दिया गया है, जिसमें 10 जिलों को ऑरेंज जोन में रखते हुए अधिकारियों को सावधान कर दिया गया है। इसके अलावा 10 जिलों को येलो जोन में रखा गया है। वहीं मुजफ्फरपुर के मात्र साहेबगंज प्रखंड में पहुंचा जरूर, पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फिलहाल टिड्डी दल साहेबगंज में देखा गया था, परंतु प्रशासन इसे लेकर तैयार है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि टिड्डी से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल भी कराई जा रही है। एक बार आकर के पास कर गया था साहेबगंज वाले इलाके से, लेकिन अभी कोई उससे नुकसान नहीं है, उस प्रकार की कोई अभी समस्या नहीं है। उस पर भी हम लोग नजर बनाए। किस चीज का? टिड्डी से बचाव को लेकर। हाँ, वो हर जगह कराया जा रहा है, एहतियात के तौर पर हम लोग मॉक ड्रिल करा रहे हैं। लेकिन अभी हमारे एक प्रखंड साहेबगंज में उधर से गुजरा था, बस देखा गया था, तो वहाँ अभी है नहीं। हम लोग अलर्ट हैं, कृषि विभाग की टीम भी पूरी हमारी अलर्ट। उत्तर बिहार में लगातार बारिश के कारण जिले के औराई और कटरा के कई गांव में फैला बागमती का पानी, जिला प्रशासन ने किया हाई अलर्ट। रुक रुक कर पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश और नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्र से बहाव तेज होने के कारण उत्तर बिहार की नदियां उफनाने लगी है। मुजफ्फरपुर जिले के औराई और कटरा प्रखंड के बागमती नदी का पानी तेजी से निचले इलाके में फैल रहा है, जिससे बाढ़ का पानी बांध के अंदर बसे गांव और खेतों में फैलने लगा है। करीब एक दर्जन गांव बागमती की धार से घिर चुके हैं। पानी बढ़ने की रफ्तार से ग्रामीणों ने बांध और ऊंचे जगहों पर शरण लेना शुरू कर दिया है। बबनगामा पूर्वी नदी पर बने चचरी के 2 पुल पानी की तेज धार में बह गए हैं। कई जगहों पर नाव ही अब लोगों का सहारा है। कटरा के निचले इलाके में पानी का फैलाव काफी तेज है। नदी का रौद्र रूप देख ग्रामीण दहशत में है। प्रखंड की 1.25 लाख आबादी बागमती से लगभग घिर चुकी है। इधर बकुची में पुल पर पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। हालांकि मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का जलस्तर खतरे के निशान से फिलहाल काफी नीचे है। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि अभी सिर्फ खेतों में ही पानी घुसा है। प्रशासन बाढ़ पर पूरी निगरानी रख रहा है। इलाके हैं और तटबंध जहां नहीं है, वहां कुछ कुछ गांव में पानी गया है, तो अभी खेतों में है। घरों में पानी की सूचना नहीं है, नहीं गया। लोग नजर रखे हुए हैं लगातार स्थिति पर, और नाव और अन्य जो आवश्यक सामान है वो हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आवश्यकता अनुसार उसको हम लोग उपलब्ध भी करा रहे हैं। हम लोग नजर रखे हुए हैं। जलस्तर अभी बागमती का बढ़ा हुआ है, लेकिन अन्य नदियों का जलस्तर अभी जो है नियंत्रण में है। हम लोग देख रहे हैं खतरे के निशान से नीचे। समरनाला सभागार में जिलाधिकारी ने धार्मिक न्यास के समिति तथा अधिकारियों के साथ बैठक कर बाबा गरीबनाथ मंदिर समेत जिले के सभी शिवालयों को कोरोना महामारी के कारण बंद करने का निर्णय लिया। मंगलवार को समरनाला सभागार में श्रावणी मेला को लेकर जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से इस वर्ष श्रावणी मेला और जलाभिषेक कोरोना महामारी के मद्देनजर नहीं करने का निर्णय लिया गया। धार्मिक न्यास वार्ड मंदिर प्रबंधक समिति के सदस्यों सहित नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त और जिले के कई पदाधिकारियों ने बैठक में अपने विचार रखे और इस वैश्विक महामारी के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग और भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई से मंदिर का पट आम लोगों के लिए बंद कर दिए जाने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जिले के गरीब स्थान मंदिर, भूतनाथ मंदिर, दुधेश्वर महादेव मंदिर सहित जहां भी कांवर चढ़ाया जाता है, वहां इस बार जलाभिषेक नहीं किया जाएगा। अक्टू है, उसमें भी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रमों पर या समारोहों के आयोजन पर रोक है।
और हम लोगों के ज़िले में भी कोरोना के जो मरीज हैं कोविड-19 के 300 से अधिक हो चुके हैं। और जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है बाबा गरीबनाथ का, उसके आसपास के क्षेत्रों में भी 100 मीटर के दायरे में भी पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। इसलिए एहतियात के तौर पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है आज कि इस बार जो सावन मेला सरहबार लगता था तो वो इस बार नहीं लगेगा, पूरे ज़िले में नहीं लगेगा। और पूरे ज़िले में जहाँ भी जो भी मंदिर हैं वहाँ किसी प्रकार का ये मेला सावन का नहीं लगेगा। लोगों से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग अपने घरों में अपनी निष्ठा के अनुरूप अपने घरों में पूजा अर्चना करें और मंदिर में जाने और वहाँ भीड़ करने उससे बचे। वहीं गरीब स्थान मंदिर के प्रधान पुजारी बाबा विनय पाठक का कहना है कि मंदिर के 100 मीटर दायरे में लगभग एक दर्जन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसे लेकर 1 जुलाई से पूरे श्रावण माह के लिए मंदिर आम भक्तों के लिए बंद रहेगा। उन्होंने लोगों से यह अपील भी की है कि वे अपने घरों या घर के आसपास के शिवालय में जलार्पण करें। लॉकडाउन 2 का भी निर्णय भी आ चुका है और अभी डीएम साहब ने कहा है, धार्मिक न्यास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका भी है एफसीट किया है, हमारे मंदिर को बंद रहना चाहिए। कहिए यहाँ लाखों लोग आते हैं, आप कितना ही मना करेंगे, कितना ही टोकन देंगे या पहले से पूर्ण करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन वो लोग आने वाला आएगा ही। कहिए यहाँ का एक अलग भीड़ होता है, एक अलग उमंग होता है, एक बाबा के प्रति अलग माने भक्ति होती है। तो हम भक्तों से कहेंगे जब इसी कारण से कहें कि महामारी है और ये किसी को नहीं देखता, ना राजा को देखता है ना रंग को देखता है। आप साफ सफाई रखवे भी करिएगा फिर भी आपको ये बीमारी हो सकता है। कौन किस भेष में कैसे उसको है कि नहीं है, कुछ बाहर से भी आए हुए हैं, कुछ यहाँ के भी लोग हैं और मंदिर के आसपास माने 100 से 200 मीटर के एरिया में कम से कम 10-15 कोरोना के मरीज हो चुके हैं। तो ये भी एक बड़ी भयावह स्थिति है और मैं तो भक्तों से आग्रह करूँगा जो बाबा तो इस बार छुच्छे रह जाएंगे आपके बिना, लेकिन आप लोग अगल बगल जो छोटी छोटी मंदिरें हैं वहाँ सेल्फ डिस्टेंसिंग बना के, दूरी बना के, पूरे सैनिटाइज होके आप वहाँ पूजा पाठ करें, घर में पूजा पाठ करें, ज्यादा बेहतर होगा। धर्मशाला चौक पर एबीवी के सदस्यों ने सरकार द्वारा एसटीईटी को रद्द किए जाने के विरोध में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। धर्मशाला चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने एसटीईटी परीक्षा परिणाम रोके जाने को लेकर सरकार के खिलाफ बजाएंगे ढोल खोलेंगे पोल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान एबीवीपी के सदस्यों ने बिहार सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। छात्र नेता ने कहा कि बिहार सरकार छात्रों के मुद्दों पर मौन है, गहरी निंद्रा में सरकार मस्त है, सरकार द्वारा छात्रों के हित में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। रोजगार देने की बात होती आती है तो मनरेगा में देते हैं। साहब को शिक्षित नहीं चाहिए, साक्षर बिहार चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा जब शिक्षा की बात आती है, ना ही छात्रों का रूम रेंट माफ हो रहा है, ना ही छात्रों के ऊपर कुछ टिप्पणी आ रहा है सरकार का। सरकार सोई हुई है, एसटीईटी की परीक्षा का रिजल्ट लाने के बजाय रिजल्ट रोक देते हैं, रद्द कर देते हैं, फिर से परीक्षा लेने की बात हो जाती है। मतलब कहीं से भी बिहार सरकार छात्रों के हितों की बात नहीं कर रही। हम लोग छात्र हित के मुद्दों पे छात्र के लिए हम लोग छात्र हैं, छात्र के लिए, छात्र के हित में हम लोग यहाँ पे सड़कों पे हैं। औराई और कटरा प्रखंड की समस्या को लेकर गरीब जनशक्ति पार्टी के सदस्यों ने कटरा प्रखंड मुख्यालय में सरकार तथा जिला प्रशासन के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। बाढ़ से प्रभावित एवं बस घट्टा पुल समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को गरीब जनशक्ति पार्टी ने कटरा प्रखंड स्थित मुख्यालय के प्रांगण में एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें गरीब जनशक्ति पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार झा ने बताया, हर वर्ष चुनाव में बाढ़ प्रभावित इलाकों को मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन बाढ़ से आज इन सभी लोगों को निजात नहीं मिली। उन्होंने बताया कि बाढ़ आते ही लगभग दर्जनों पंचायतों के लोगों को मुख्यालय से रास्ता टूट जाता है और आने जाने में लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की नजर इधर नहीं पड़ती है। हम लोग कटरा प्रखंड पर जो मुजफ्फरपुर जिला में है, परीठा में टूटा हुआ है, आजादी के टाइम से बीच में थोड़ा बहुत रिपेयर होता है, लोग कमाते हैं, बांध नहीं बनवाया जाता है। कटरा के उत्तरी भाग के लोग हर साल बाढ़ में 50-60 किलोमीटर घूम के ब्लॉक आते हैं और फिर ब्लॉक का कोई काम करते हैं।
तो जो मजबूर लोग होगा इतना दूर दूरी तय करके ब्लॉक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बात है कि फसलों की क्षति होती है बाढ़ आने से, तो वही बरेठा टूटा है जिस कारण होता है। तो हम लोग का धरना है कि बरेठा का बांध जो जमींदारी बांध है उसको बंधवाया जाए, बसघट्टा में यातायात के साधन चालू करने के लिए अच्छा डायवर्सन बनाया जाए। यहाँ 527 सी एनएच बन रहा है काफी संघर्ष करने के बाद, लेकिन उस एनएच बनने से भी यहाँ के लोगों का उद्धार तभी होगा जब ये बरेठा बांध बनेगा। आप लोग सुने होइएगा कि मुख्यमंत्री जी बरेठा में बसघट्टा में उद्घाटन करने वाले पुल का थे और उसी दिन पुल गिर गया। अब पुल करोड़ों से बनता है और उद्घाटन में ही टूट जाता है, उसका कारण वही बरेठा का जमींदारी बांध है। जब तक वो बांध नहीं बनेगा, वहां से पानी नहीं रुकेगा, तब तक यहाँ पुल बनाते रहेंगे और वो टूटता रहेगा। तो जो भी इंजीनियर एस्टिमेट करते हैं क्या उनकी मिलीभगत है पता नहीं। अब जब हम लोग भी लिख के दे रहे हैं इनको कि आप इसको बंधवाइए और इस सड़क को दुरुस्त कीजिए, नहीं करते हैं। तो यहाँ के जनता बहुत दुखी है। हमारे महादेव जी जैसा कल हम लोग लाइव भी आए थे, ये कहे कि नहीं यदि करेगी सरकार तो हम आत्मदाह करेंगे। हम कहे ऐसा नहीं है, आप लोग उतना व्याकुल नहीं होइए, सरकार जरूर करेगी। हम लोग लगे हैं, आपके यहाँ का नेता आगे नहीं काम करता है। हम सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर जल संसाधन विभाग के पास गए थे, वो कहे आज तक इस क्षेत्र का कोई नेता या कोई कार्यकर्ता सिल्ट भी जमा है लखनदेई नदी में नहीं बताए हैं। आप बताए हैं तो हम प्रयास करेंगे, लेकिन वो भी काफी टाइम लिख दिए और टाइम निकल गया। यहाँ जो एसडीओ हैं लोकल, उनके यहाँ 2 महीना पहले जांच और लिख के भेजे, ये जांच रिपोर्ट नहीं दिए कि यहाँ क्या कारण है। तो मिलीभगत है, यहाँ जो पदाधिकारियों का है आप आवेदन दीजिए, आपके आवेदन को पढ़ेंगे, मोहर मार के कॉपी दे देंगे। आप निश्चिंत यदि घर में रह गए तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि कागजी घोड़ा वहां से आगे बढ़ता नहीं है। ये दुखद है, जिनकी भी सरकार बनी वो लोग पहसौल बसघट्टा कटरा आते रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, कमिटमेंट किए कि हम इसको करा देंगे, लेकिन आजादी से आज तक यहाँ के लोग ऐसे ही 50 किलोमीटर घूमते हैं। इससे निजात मिले, आप मीडिया भाइयों से भी हमारा यही कहना है। आज आपने एक दिवसीय धरना दिया, अगर सरकार इस पे कोई कदम नहीं उठाए तो आगे की रणनीति क्या होगी? आपको बताएं कि यदि सरकार इस धरना के माध्यम से भी इस पर ठोस कदम नहीं उठाती है, जैसे हम कहे कि तत्काल बांध तो बनेगा नहीं, आप निःशुल्क यातायात का व्यवस्था कीजिए, जो कटरा के उत्तरी भाग के लोग ब्लॉक तक आ सके, तो उनको 5-7-8 किलोमीटर पड़ेगा, जो अभी 50 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। दूसरा, इस पानी के कमने के बाद सरकार इस बांध को बनवाए और सब दिन के लिए यहाँ के लोगों को जान माल का खतरा है, पशु चारा का तकलीफ है, इससे निजात दिलाए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम इस मुद्दा को यहाँ से ऊपर देश तक बढ़ाएंगे, जैसे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, क्योंकि नागरिक को अधिकार है अपना अधिकार सरकार से लड़के लेने का, और हम लोग लड़के लेंगे। हम लोग टैक्स देते हैं, यहाँ की जनता भी सरकार को टैक्स देती है, तो यातायात, शिक्षा, चिकित्सा देना सरकार की जिम्मेवारी है। इसलिए हम लोग गरीब जनशक्ति पार्टी बना के, क्योंकि किसी दल में गए तो वो लोग कहता है हमारा काम करो, भाजपा हो, राजद हो, क्यों वहाँ का आवाज उठाएगा? तो हम तो भाई जन्म लिए हैं कटरा में, हम यहाँ की आवाज को उठाएंगे। गांव में जो भ्रष्टाचारी है, घुसखोरी है, हम उसको बंद कराएंगे। लोग जो दलाल टाइप के हैं वो नहीं चाहते हैं कि हमारे जैसा लीडर उभरे, क्योंकि उनका दलाली कमीशन बंद होगा। तो सभी विभागों में जहाँ भी जो परेशानी है, सारे मीडिया और सारे गाँव के लोग जानते हैं कि हमारा सिस्टम चौक कर गया है। गांव में किसान को कुछ लेना हो तब वही हाल है। अब किसानों की बात करेंगे तो किसान का फसल दह जा रहा है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। यहाँ हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स,
मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट को हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया। और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अध्यक्ष शिशु विभाग केजरीवाल मातृ सदन, मैं आज सिटी न्यूज के 8वें वर्षगांठ पर सिटी न्यूज को अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और दिन पर दिन आगे की ओर सिटी न्यूज बढ़े, हम लोगों को सच्ची खबर हर खबर से रूबरू कराते रहें, इसकी कामनाओं के साथ मैं इनको बहुत आशीष देता हूं। जो लोगों ने इसमें जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों, और आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी है कोरोना, उसके विषय में मैं अपने लोगों को, अपने यहाँ के शहर के लोगों को ये विनती करता हूं कि आप कृपया थोड़ा सा डिस्टेंस बना के एक दूसरे से रहें। भीड़ में जब भी निकलें तो मास्क लगाना जरूरी है, ये मास्क लगाना। और
जब भी आप कोई काम करें या किसी आदमी से मिले तो आप सैनिटाइज करें अपने हाथ को, जैसे कि मैं कर रहा हूं। ये जरूर करें, साबुन से जितनी बार आप हाथ धोएंगे आप समझिए वो कम है, 20 सेकंड तक किसी भी साबुन से आप हाथ धोएं। कोरोना से बचना है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और छोटे बच्चे को कृपया जरूरत न पड़े तो घर से मत निकालिए, एकदम मत निकालिए, और आपको भी जरूरी हो तो भी घर से निकलिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है, आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। काटी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर स्थित एनएच पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार दंपति को रौंदा, पत्नी की हुई मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने एनएच पर जमकर काटा बवाल। जिले में रफ्तार का कहर जारी है, प्रतिदिन कहीं न कहीं सड़क दुर्घटना में किसी न किसी की जान चली जाती है। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन रफ्तार के कहर पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही है। एक ऐसा ही मामला काटी थाना क्षेत्र से आया है, जहां मंगलवार की सुबह काटी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर चौक स्थित एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को ठोकर मार दी। इस घटना में बाइक सवार की पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार पति और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क को घंटों जाम कर बवाल काटा। मौके पे पहुंची काटी थाना की पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर शांत करवाया और आवागमन को सुचारू रूप से चालू करवाया। प्रेम से आ रहे थे, पीछे से ट्रक वाला ने मार दिया, मोहम्मदपुर से आ रहे हैं, जा रहे थे घर पे, जा रहे थे ससुराल जा रहे थे, घर में छापरा जिला, छापरा जिला दिखवारा, यहाँ पे ससुराल रहे थे, मोहम्मदपुर चौक पे पीछे से ट्रक मारा है। जिस महिला की मृत्यु हुई है उसके 3 महीने के 1 बच्चे हैं, 14 महीने के बच्चे हैं, उसका 1 परिजन भी है जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। लोग यहाँ के आम ग्रामीणों ने यहाँ जाम लगाया है, क्योंकि आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, हर साल कम से कम 10 से 20 लाश यहाँ गिरती है। बारम्बार सरकार को खबर किया गया, आवेदन किया गया है कि यहाँ एक ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण कराया जाए। आज 10 सालों में चिल्लाने के बावजूद भी न एक ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण कराया गया है, जिसके कारण यहाँ सैकड़ों लोगों की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। ये बहुत ही दयनीय पोजीशन है हम लोगों की, रोज के रोज हो रही है। ये लोकल ग्रामीण रोड है, आवासीय रोड है, जहाँ घनी आबादी है वहाँ बड़ी वाहनों क्या मांग है कि यहाँ एक ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण कराया जाए, ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित रहते, क्योंकि यहाँ घनी आबादी है। सूचना हमको मिली कि सनीचरा स्थान के पास रोड एक्सीडेंट में एक महिला की मृत्यु हो गई है। उस सूचना पर हम लोग कोरामरा थाना आया हुआ है और इस संबंध में हम लोग विधि व्यवस्था को देखते हुए जो कार्रवाई हो रहा है वो कर रहे हैं। हाँ, ये महिला भी मरने वाली है, छपरा जिला की है, यहाँ से कुछ सरकार दे भी नहीं सकता, यहाँ का कुछ मुजफ्फरपुर जिला कुछ नहीं दे सकता है, जब भी देगा छपरा जिला देगा, यहाँ से इसका सब कुछ जाएगा, वहाँ से पैसा इसको मिलेगा जो भी मिलना होगा। यहाँ आम लोग रोड को जाम किए हुए हैं, आगे की क्या कार्रवाई, विधि सम्मत का इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए दिव्यांग रेलवे कर्मचारी संघ के सदस्यों ने गरीबों की मदद को लेकर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई राशि। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन परिसर में दिव्यांग रेलवे कर्मचारी संघ के सदस्यों ने कोरोना महामारी में गरीबों की मदद के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राहत कोष में सहायता राशि जमा करवाई। कर्मचारी संघ ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान गरीब परिवारों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है, इसको देखते हुए हम लोगों ने आपस में फंड इकट्ठा करके मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि जमा की है। जितने भी हमारे भाई जो
अभी तक सीएम रिलीफ फंड के माध्यम से बहुत सारे लाभ को प्राप्त कर चुके हैं। हम लोगों के भी मन में एक जागृति आई कि हम लोग दिव्यांग होते हुए भी अपने कुछ असहाय बंधुओं का सहायता कर सकें, इसलिए आज हम लोगों ने 16 रेलवे कर्मचारियों के माध्यम से 12,904 रुपये का रिलीफ फंड जुटाया था, जिसे अभी सीएम फंड ने ट्रांसफर कर दिया हूँ। और मुझे बिहार सरकार से यह आग्रह है कि इस फंड को असहायों के बीच वितरित करने की। पुलिस लाइन मोहल्ले में 8 वर्षीय बच्ची की हत्या मामले को लेकर परिजनों ने समहर नाले में प्रदर्शन कर धरना दिया। मंगलवार को सिकंदरपुर इलाके से अपहरण के बाद नाबालिग की हत्या मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों ने सिकंदरपुर से समहर नाले तक प्रतिवाद मार्च निकाला और हत्यारों को फांसी देने की मांग की। यह प्रतिवाद मार्च समहर नाले स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर पहुंचकर धरने पर बैठ गया। आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर मन से सोनाक्षी का शव बरामद हुआ था। बाद में एफएसएल की टीम ने हत्या की जांच की। रवि रजक के दुकान से नमूने एकत्र भी किए थे। परिजनों का आरोप है कि मामले की लेपापोती की जा रही है। किस पर आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं मकान मालिक पे। सारी मिली भगत के साथ वो साक्ष्य छिपाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और कौन है मकान? मकान मालिक है ज्योति नारायण सिंह, जिनके मकान में हत्या किया गया है। वही प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व कर रहे भीम आर्मी के सदस्यों ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। मामला है 14 तारीख को जो है लक्ष्मी चौक पुलिस लाइन में 8 वर्षीय बच्ची के साथ जो है किडनैप कर उसको रेप हुआ, ठीक है। रेप कर उसके बाद जो है उस प्रतिवाद तेजाब डालकर निर्मम हत्या किया गया, जिसकी जो फॉरेस्ट्री टीम आई थी उसमें टोटल साबूत साक्ष्य ले गई। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यहाँ के मेडिकल अधीक्षक ने वहाँ पे लापरवाही करते हुए मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी की है, वो मामला को दबाने का प्रयास किया गया है। वही धरने पर बैठे पूर्व पार्षद उमेश पासवान ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए तेजाब से जलाने और बलात्कार की पुष्टि नहीं किए जाने की बात कही। कल द्वारा FIR में छेड़छाड़ किया गया है, गरीबों की आवाज का दबाने के कार्य किया गया है, ये बहुत गलत बात हो रहा है। जब साक्षी कह रहा है कि बलात्कार किया गया है, तेजाब उझल के जो हत्या किया गया है, तेजाब का भी बोतल मिला है, आँख बाहर चला आया था, फिर भी जो है तेजाब का जिक्र नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और रेप का जिक्र नहीं है, सिर्फ हत्या का जिक्र किया गया, यानी कि घोर अन्याय वाला काम किया गया ये गरीबों के साथ। इसलिए हम लोग की मांग है कि वो हत्यारे को फांसी की सजा हो, सरकार से हमारी यही मांग है सीबीआई जांच हो, और फिर से जो है ये इसमें जो संलिप्त है सबकी गिरफ्तारी। लगभग एक माह बीत जाने के बावजूद हथौड़ी थाना द्वारा FIR नहीं किए जाने को लेकर भदई ग्राम निवासी ने IG को ज्ञापन सौंपा। हथौड़ी थाना क्षेत्र के भदई गांव की निवासी बिंदु देवी ने दबंगों द्वारा अपने और अपने पति पर जानलेवा हमला करने और पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने को लेकर IG से गुहार लगाई। बिंदु देवी ने आरोप लगाया कि दबंगों द्वारा मेरे साथ दुष्कर्म करने में विफल होने पर मेरे पति पर जानलेवा हमला किया गया। बिंदु देवी के भाई ने बताया कि इस घटना के एक महीने बीत जाने के बाद अपराधी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं और पुलिस द्वारा FIR के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। आया गलत नेत से हमको पत्नी के ऊपर, हम उसको फेंटे भागा, उसको मनोज राम आया पकड़िया लेके काट अगर ऐसा कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।